व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अंदर रिएक्शन वीडियो। आज मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है जिसके अंदर वो मणिपुर में जो भी कुछ हुआ है उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। और लिखा है लेट इंडियन आर्मी टेक ओवर मणिपुर इंडियन। और मैं भी ये कहता हूँ कि वहाँ की सरकार अगर नहीं कर पा रही ना, चाहे बीजेपी की सरकार है वहाँ पर फिर भी नहीं कर पा रही, तो इट्स हाई टाइम वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाई जाए वहाँ पर। और बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे 3 महीने से हालात खराब है, तब भी ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ी गलती मैं ये कहूंगा कि एक तो सरकार की वहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ न्यूज रिपोर्टिंग नहीं हुई है वहाँ से। हाँ, क्योंकि हम तो फिर भी घर में बैठ के हम फिर जो वीडियोस हमारे सामने आती है उन पर रिएक्ट करते हैं हम। न्यूज वाले जब तक उन टॉपिक्स को रियलिस्टिक तरीके से ग्राउंड लेवल पे नहीं कवर करेंगे तब तक लोगों तक नहीं पहुंचती चीज। देखते हैं सरकार क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। पहले इनको बाहर निकालो मणिपुर स्टेट से, ठीक है, इनको भेजो असम, इनका बाप बैठा है असम में, वो इनको ठीक करेगा। हिमंत बिस्वा, सेंड देम टू असम, ठीक है। इनका बाप कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंत बिस्वा शर्मा, उसके पास भेजो। वो भी योगी की तरह उसके पास इलाज है। जो अभी चीफ मिनिस्टर है मणिपुर का, मुझे नहीं लगता कि ही विल बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। नहीं, अभी तक ही नहीं कर पाया कुछ, वरना भाई बहुत पहले कुछ कर चुका होता, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। इनको भेजो असम, असम में इनका बाप बैठा है, इनका बाप इनकी चाबी टाइट करेगा, ठीक है। जैसे अमृतपाल की चाबी, दीज ये गद्दार हैं ये लोग देश के, दीज पीपल आर ट्रेटर्स टू द कंट्री। सेकंड थिंग, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वापस लागू करिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसमें जा ही नहीं रहा कि कौन सी कम्युनिटी ने क्या करा, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, मैं भाई कोई प्रोफेसर नहीं हूं, यहां पे आपको सिखाने बैठा हूं। आप मीडिया ने आपको सब बता दिया है, ठीक है, कितने हिंदू हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने हिल्स में रहते हैं, कितने नीचे रहते हैं, ये 60% है, ये 30% है, ये फलाना, ये सब आपको भरपूर नॉलेज है। मैं वे फॉरवर्ड बोल रहा हूं आपको, ये जितनी भी भीड़ थी, 1200 की लोग कह रहे हैं भीड़, 1300 की, 1400 की भीड़, सबके सबको पकड़ो और सबके सबको मणिपुर से बाहर भेजो। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अंडर लॉ, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आप पार्लियामेंट में एक लॉ लेकर आइए, outraging the modesty of a woman, rape, and such disgraceful things that happen, they should merit the death penalty. सीधा होना चाहिए। आप जब तक सजाए मौत नहीं देंगे उसको, तब तक वही मैंने पकड़ पकड़ के सूलियों पर नहीं टांगेंगे, जब तक खौफ नहीं बैठेगा, सूलियों पर बोली नहीं उतारेंगे, ये चीज नहीं बंद होगी। जब तक एग्जांपल सेट नहीं करेंगे, आप कुछ कर लो, आप सर के बल खड़े हो जाओ, बिकॉज आपने रेपिस्ट को, या जो गलत काम ऐसा मणिपुर जैसा करता है, मणिपुर में भी रेप, आपने रेपिस्ट को बुलेट प्रूफ बना दिया है, आपने रेपिस्ट को बुलेट प्रूफ बना दिया है। ये देखिए शक्ल इस बंदे की, लुक एट दिस गाइस फेस। ये बता, ये है वो जिसने पकड़ा हुआ है वो साइड में जो रेड है उसमें। एज पर लॉ बोल रहा हूं, एज पर लॉ क्या होगा इसका? अगर ये छूटा ना, कुछ तो लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि हाँ हमारी औरतों के साथ ये करा तो इसने ये करा, हमारा हीरो है, सोचते होंगे ना। दिमाग तो खराब होता है हर जगह लोगों का भाई, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल, लोग तो बुरे लोग हर जगह होते हैं। कोई ना कोई तो सोचेगा माइक्रो दिस थिंग, और लेट से स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कोई तो लोग सोचेंगे दोस्तों, कोई तो इसको हीरो समझेगा। ये जाएगा कितने साल जेल जाएगा, चलो एक कन्विक्ट हो गया, कितने साल जेल जाएगा? 1 2 3 4 5 बहुत गलत है, अगर ऐसे हुआ तो बहुत गलत है, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं जेल, अगर ये कन्विक्ट हो गया तो। और जब ये जेल से बाहर निकलेगा फिर आप देखिएगा ये बन जाएगा हीरो। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को वहीं पे निपटाओ, और लोगों को लगा रहे अभी वापस आ जाएंगे 4-5 साल में, फ्री की रोटी तोड़ने मिलेगी जेल में। अब आते हैं सोल्यूशन पे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आप लागू करिए वहां पे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आर्म फोर्सेस, देखो फौजी की राइफल का बट और फौजी का बूट, बट और बूट, ये बहुत कामयाब चीजें हैं। दिस वर्क्स इन टैंडम, बट एंड बूट, और आप देखना ये बट एंड बूट चलेगा, सब शांत हो जाएंगे 48 घंटे के अंदर। जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीटा, वेरी फाइन ऑफिसर, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, ही इज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द ईस्टर्न आर्मी, ईस्टर्न कमांड हेड करते हैं वो, और वो भी नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, असम के रहने वाले हैं, असम के रहने वाले। यू शुड जस्ट टेल जनरल आरपी कलीटा कि जनरल साहब आप जाओ मणिपुर, आप 15 दिन मणिपुर में रहो,
अभी जनरल साहब कहाँ पे? ही इज इन फोर्ट विलियम कलकत्ता, क्योंकि वो ईस्ट नामी का हेडक्वार्टर्स है। मैं बता रहा हूँ, जनरल कलीटा विल एंटर मणिपुर, 48 घंटे के अंदर लोग लोरियां गाएंगे, लोरियां, लोग लोरियां गाएंगे, आपस में गले मिल रहे होंगे, और ये चीज बिठानी पड़ेगी लोगों के दिमाग में। मेड इन मणिपुर इज द इंडियन आर्मी। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को बोलिए, भाईजान आप थोड़े समय के लिए कोने में बैठिए, यू आर द चीफ मिनिस्टर, थोड़े समय के लिए आप कोने में बैठिए, हैंड ओवर मणिपुर टू द इंडियन आर्मी, एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल इन 48 आवर्स। करना चाहिए अब। ये जितने भी लोग करते हैं ना, ये औरतों के खिलाफ, ये सब, ये मार मार के सुअर बना देगी इनको इंडियन आर्मी, मैं आपको बता रहा हूं। एंड देखिए, एक कॉन्सेप्ट है यार, मैं एक बात आपसे डिस्कस कर लूं, जब हम फ्रैंकली बात कर रहे हैं ना, तो एक बात मैं आपसे डिस्कस कर लूं। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है पुलिस को बुलाओ यार, होता है, पुलिस आती है जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है तो पुलिस आती है, पुलिस जब फेल होती है तो फिर उसके बाद CAPFs आते हैं, CRP, BSF, ये लोग आ गए। जब वो भी फेल हो जाते हैं ना, उसके बाद इंडियन आर्मी आती है। उसके बाद इंडियन आर्मी आती है। पुलिस से तो छुड़ा लिया ही नहीं, याद है? और भगवान ना करे ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा आज तक हुआ नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर इंडियन आर्मी फेल हो गई तो कौन आएगा। सोचो जरा मेरी बात पे, जरा आप लोग तवज्जो दीजिए थोड़ा सा, कि अगर इंडियन आर्मी भगवान ना करे फेल हो गई, सोचिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो, होगा नहीं, सोचिए अगर इंडियन आर्मी फेल हो गई, देयर इज नोबडी बिहाइंड द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी इज द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेट, इसके पीछे कोई नहीं है, आप समझ रहे मेरी बात। इसीलिए जब आप भारतीय सेना को भेजें तो पूरा मजबूत करके भेजें, डिक्लेयर AFSPA इन मणिपुर एंड हैंड ओवर एवरीथिंग टू जनरल आरपी कलीटा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, तभी फॉर अ लिमिटेड पीरियड उसमें आएंगे कंट्रोल में, हालात तभी कंट्रोल में आएंगे, समय के लिए रहो यहां पे आप, हफ्ता 10 दिन, दैट्स इट, एवरीथिंग विल कम डाउन, बिकॉज जनरल कलीटा विल नो किससे कौन सी भाषा में बात करना है, जिससे प्यार उससे प्यार, जिससे मार उससे मार। द सोल्यूशन इज द इंडियन आर्मी। हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मैंने आज तक मणिपुर के ऊपर नहीं बोला, इतने वहां पे लोग मर गए, मैंने नहीं बोला, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, मैंने नहीं बोला, दैट्स ओके। बट कल जब मैंने वो फोटो देखी ना उस औरत की, जो ब्लड सी फोटो मीडिया में आई थी, तो मैंने बोला यार ये देखो, नाउ यू हैव क्रॉस द रूबिकॉन, ये जो एक लक्ष्मण रेखा है ना, आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, घर जल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है यार, मतलब ठीक नहीं है, बट बहुत खबरें सुनी है ऐसी। लेकिन अगर तुम एक औरत के साथ ऐसा करोगे तो फिर मैं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैनॉट इल ट्रीट अ वुमन लाइक दिस, यू कांट डू इट, करके फिर बच तो एंड इफ यू डू देयर विल बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस एंड नॉट लिमिटेड to life, there will be consequences beyond life. That is what I want to say. तो दोस्तों, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी, फौरन से फौरन, आर्म फोर्स स्पेशल पास एक्ट और इंडियन आर्मी, ये सोल्यूशन है, सब कुछ मक्खन हो जाएगा। और ये जितने भी लोग थे जिन्होंने पुलिस से छुड़वाया था और उस औरत के साथ करा था, हमें वीडियो ब्लर दिखाइए, उनके पास तो क्लियर गई है ना, ये मस्ट स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन जेल, अदरवाइज Hand them over either to SM police or hand them over to UP police. जब से मणिपुर की गाड़ी यहाँ पे घुसेगी, जब तक, तब तक गाड़ी दो तीन बार पलट चुकी होगी, हो जाएगा खेल इनका। ये दे डिजर्व डेथ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। स्कोप फॉर डेथ इन इन द IPC, ऐसे मामले में कोई सजाए मौत तो है नहीं, बट होनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि अगर जिंदगी भर भी ये जेल में रहेंगे, इट इज नॉट इनफ फॉर सच पीपल, ऐसे कीड़े मकोड़ों के लिए वो भी इनफ नहीं है। ये जब इतने बेशर्म में नहीं कैश पर पड़ रहे जेल में जाके, फ्री की रोटी मिलेगी, सुन हो जाए, इतनी तेज मार इनको पड़नी चाहिए। दोस्तों मणि, ये जो सर ने जो पॉइंट रखा है इंडियन आर्मी को, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब तक कुछ लेना होता है एक्शन, दो तीन महीने के अंदर बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत कहते हैं ना वहाँ की गवर्नमेंट जो है बहुत ढील, मतलब ढील है इसमें, बहुत ढील इस मामले में। और इंडियन आर्मी
को इंटरफेयर करना चाहिए, उनको कमांड दे देनी चाहिए, तभी ये जो तितर बितर होकर रोड पे घूम रहे हैं ना, जो जितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कई लोग का, प्रोटेस्ट करना सबकी राइट है, एक तरीका होता है हर एक चीज़ का, आप किसी की डिग्निटी या फिर आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ के नहीं करते या किसी को इस तरह से अपमान करके नहीं करते हो, और यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है वहाँ पर ना, यार मुझे कई बार ऐसा लगता है कि किसी मिनिस्टर के बेटे का या बेटी का एक फोन तक गुम हो जाए ना, तो वो पूरे इलाके की पुलिस समझ रहा है, सब लग जाते हैं, इतना लग जाता है। तो ये 3 महीने से चल रहा है और अब ये वीडियो सामने आए भी हो, कितने दिन हो गए हैं, 19 को आई थी, एक ही बंदा पकड़ा गया। चलो हमें तो ब्लर दिखाई है वीडियो, ठीक है सामने नहीं डाल सकते ऐसे, बट जो लोग हैं जैसे गवर्नमेंट है, मीडिया के पास भी होगी वीडियो, तो ये वीडियो कहीं से तो आई है ना, ओरिजिनल वीडियो ऐसे तो है नहीं, और वीडियो में लोग क्लियर, अगर एक मान ले इधर का बंदा दिख रहा है तो इधर के आगे पीछे के भी तो दिख ही रहे होंगे। सिचुएशन मतलब कि लोगों में वो खौफ नहीं है जब तक लॉ नहीं आएगा। मतलब मैं एक चीज बताती हूँ, जो सर ने एक चीज बोली थी ना कि अच्छी चीज तो वो भी नहीं है जो घर जल रहे हैं, बट अगर मैं अभी देखूँ ना ये चीज जो है, ये वो बोला ना एकदम लक्ष्मण रेखा पार करना, ये वो वाला केस है कि बिल्कुल जब तक इस चीज के लिए एक ऐसा एग्जांपल सेट नहीं होगा ना, भैया ऐसा कर दिया तुम्हारे दिन दहाड़ तुम्हारा ऐसा हाल होगा, तब तक ये एक ऐसा एग्जांपल सेट हो कि अगर ऐसा कर दिया ना, ठीक है तो बेटे इसके बाद तुम्हारी जिंदगी है ही नहीं। क्योंकि एक चीज आप मेंटेलिटी देखो, जिसने इतना गंदा काम करा है उसको आप 5 की जगह 10 साल जेल में रख दो, वो ऑलरेडी उस गंदे माइंड से है। आप एक बात बताओ, आप उसे इतने से कहते हैं ना, उसमें भी बाथरूम में भी रख दोगे ना, वॉशरूम में, इतने से वो वहीं हगेगा वहीं खाएगा, क्योंकि ऐसे लोग ऑलरेडी यहाँ से जा चुके होते हैं, उनके लिए सीधी सी वो है। एक बात मैं एक चीज बताती हूँ, नॉर्मल गली में कोई कुत्ता पागल होता है क्या करते हैं उसे, केरला की बात बता रही हूँ मैं, केरला में क्या हुआ था, जब कुत्तों को ये था कि जो भी वैसा डॉग होगा उसे मारने की वो आई थी ना, है बेज जो जानवर है जिसे कुछ पता नहीं है, जिसमें इतनी समझ नहीं है, उसे मारने के लिए इतना खर्चा कि जानवर से भी गंदे जानवर घूम रहे हैं जो कि असली जानवर से भी खतरनाक है, इनके लिए जेल है। उस कुत्ते को आप गोली मार दोगे क्यों, दिमाग से पागल है, और ये जो गंदा काम कर रहा है इसे जेल में रखेंगे, और टाइम पे रोटी भी मिलेगी इसे कैदियों के साथ, इसको आप सजा दोगे ना, वो न्यूज इतनी नहीं फैलेगी लोगों तक, जबकि आप इसको ऐसा इसके साथ हरकत कर दोगे लोगों के दिमाग बैठ जाए, भाई गलती से भी ऐसा कुछ कर मत देना लाइफ में। मुझे पता है कहाँ, कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोलूंगी जो मुझे लगता है पर्सनली, बाकी मुझे नहीं पता, निर्भया के जितने भी वो थे ना, निर्भया कांड ऐसा था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, ठीक है, लेकिन क्या इतने बड़े कांड के बाद भी चाहे कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसा एग्जांपल सेट हुआ था उसके साथ, अब ये होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं कितने सालों केस लटका रहा है, देखा तूने, एक ने सुसाइड कर लिया उसके जो भी था वो, तो कुछ इधर उधर कुछ को माइनर बोल दिया, माइनर क्या है इस चीज में, एक माइनर को रेप करने की फ्रीडम है, माइनर को जान से मारने वाली वो नहीं है कहीं पर भी, ये जब तक नहीं होगा ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट लॉ आने पड़ेंगे जो एग्जांपल सेट करे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।